असलकुम वेलकम बैक टू मामाशीज ब्लॉग कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब ठीक होंगे चलिए हम चले गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने रमज़ान से पहले क्या है समझ रहे होंगे आप लोग रमज़ान से पहले शॉपिंग कर ली माशाल्लाह। अब रमज़ान में जाने का नहीं रहता ऐसा नहीं एक्चुअली क्या है आ, एक्चुअली हमारे एक फैमिली मेम्बर्स फैमिली फ्रेंड्स का हाउस वार्मिंग पार्टी है तो वहाँ पर जाना लाजमी है तो क्या है कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके ही जाना है बिना गिफ्ट के तो कोई भी नहीं जाता तो क्या है हम लोग समझ रहे थे कुछ फ्रेम्स लेके जाएंगे या वॉल क्लॉक ऐसा वॉल क्लॉक तो बहुत जरिए लेके कर आते अब घर में कोई भी फंक्शन हो तो हाउस वार्मिंग फंक्शन हो तो सब लोग तो फर्स्ट और फर्स्ट वॉल क्लॉक्स लेके आते हैं या कोई तो फ़ोटो फ्रेम्स लेके आते हैं घर पर वही भर जाते तो इसलिए हम लोग सोचे बेटर है कि कोई ऐसा कपड़े बना दिए तो अच्छा रहता और पहन भी सकते हमेशा के लिए और याद भी रहता तो चलिए अच्छी बात तो हम लोग चले गए थे साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल आपको सबको मालूम है जो हैदराबाद में रहते या तेलंगाना या कर्नाटक जो कर्नाटक में सॉरी हांद्रा में रहते उन लोगों को चलिए यहाँ पर हमारे घर के पास ही साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल है तो वहाँ पर हम लोग ले लिए थे साड़ी अच्छी है ना कलर कलर तो बहुत अच्छा है फिरोजी कलर और बहुत अच्छा सा वर्क भी है जो बड़े लोग भी पहन सकते और ले, आ, मतलब अच्छे एज पर्सन भी पहन सकते और जो एज कम है उनको भी काम आ जाती है साड़ी अच्छी से और वर्क भी अच्छा सा था और चुभने वाला भी नहीं था नरम भी थी साड़ी तो चलिए और अंकल को आंटी को तो ले लिए थे साड़ी और अंकल को ले लिए थे हम लोग फटानी के लिए एक जुबा शरीर का कपड़ा तो वो क्या है वो नो सिला ले सकते हैं उनके हिसाब से फटानी या जुबा शरीफ जो भी सेल्फ ले लिए थे इस बार हम लोग हमेशा क्या है हम लोग थोड़ा सा कलर जो ऊपर का अलग रहता नीचे का अलग रहता बट इस बार हम लोग थोड़े बड़े लोग हैं ना तो उनके लिए सोचते हुए उनके दिमाग में रखते हुए हम लोग ले लिए थे ये वाला ऐसा सेल्फ चलिए इनको दोनों का हो गया और एक साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल में क्या है जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो टोपी और तस्बी दे दिए थे रमज़ान चल रहा ना तो रमज़ान खरीबी छः इन शाह अब एक दो दिन में आज या कल में हम लोगों को रोज़ा स्टार्ट भी हो जाएंगे तो रोज़े तो उसके वास्ते वो लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के तौर पर वो सबको दे रहा था टोपी और तस्वी तो अम्मी बोलिए थी कि हम लोग ले लेंगे क्या रख लेंगे क्या बट मैं बोली नहीं और जो उनके नसीब में आया उनको ही जाना है तो इसलिए अब चलो अच्छी बात है ये भी इनके जोड़ में हम लोग रख देंगे गिफ्ट के तौर पर तो टोपी और तस्वीर भी अंकल बरत ले सकते हैं निशानी के तौर पर हमारे साइड से चलिए उनके नसीब में आया था उनके उनके लिए ही वो गिफ्ट आया था हमारे लिए नहीं। हमारे कपड़े लेते इस तो कोई भी गिफ्ट नहीं आता तो उनके कपड़े लेते इस गिफ्ट आया मतलब वो उनके लिए ही था चलिए उनके लिए हम लोग तस्वी और टोपियाँ तो उनकी टोपी सॉरी टोपियाँ नहीं टोपी अब उनके लिए रखते तस्वीर तो बहुत अच्छी थी माशाल्लाह जो अम्मी का तो मन ही नहीं हो रहा था कलर देख कर बोली ना को। बहुत सारे तस्वीर हैं घर में पढ़ने वाला कोई भी नहीं है हम लोग कभी भी कभी भी पढ़ते ना तो उंगलियों में पढ़ते तो तस्वीर यूज नहीं करते तो क्यों रख लेना वेस्ट चलिए यहाँ पर मैं दो अंडे का सालन बना रही हूँ तो दो अंडे मैं उबलने रख दी हूँ तो एज़ यूज आपको मालूम ही है मैं दो अंडे का सालन क्यों बना रही हूँ क्यारे एज़ यूजल नहीं तो डरिए मत दो अंडे का सालन क्यों बना रही हूँ मैं बोलती हूँ इन शाम में जब तक आप लोग जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जो पहली बार देख रहे वीडियो प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए यहाँ पर देखिए मैं टमाटर को काट ले रही हूँ चार मीडियम साइज के टमाटर मैं ली हूँ टमाटे हम लोग बोलते हैं टमाटे आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ बोलिए एक्चुअली मैं कभी भी एडिटिंग करती हूँ ना तो मेरी बहन बोलती तुम आ, क्या है सिनोनिम्स पूरे बोल दे सबको भी हर चीज़ एक वर्ड का चार चार बार बोलती है ऐसा वो ऐसा तो मुझे आदत होगी क्या है कुछ लोग वहाँ फिर कमेंट करते क्या बोल गए इसलिए मैं ऐसा बोलती रहती हूँ चलिए तीन टमाटे मैं काट कर रख ली हूँ ऑलरेडी मैं एक दो प्याज कट करके कर रख ली तो उसको मैं पीस लूँगी जब तक क्या है आ, मैं बना रही हूँ मच्छी का सालन तो मच्छी का सालन मैं कैसे बनाती हूँ क्या नहीं प्लीज़ आप लोग देखिए और ट्राई कीजिए सेम टू तो सेम मेरी तरह बनाने की चलिए यहाँ पर देखिए मैं नारियल को सूखा नारियल को भी एक आधी बट्टी बट्टी ही बोलते हैं ना आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम अगर कुछ अलग बोल रहे तो प्लीज़ मुझे चम, कमेंट करके बताइए चलिए अच्छे से इनको बारीक से काट कर लेती हूँ अगर कट करने का नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते और ग्रेट कर ले सकते खोपरे और मतलब खुरपा से खुरपा बोलते ना ग्रेटर को हाँ हम लोग मतलब खुरपा बोलते आप लोग क्या बोलते मुझे नहीं मान ग्रेटर की मदद मतलब से ग्रेट कर ले तो क्या हो जाता फाइन ग्रेट हो जाता उसमें हम लोग पीस दिए तो भी उसे करने से क्या होता है मिक्सी पर लोड नहीं पड़ता और मिक्सी में से आराम से फाइन पेस्ट भी हो जाता चलिए इमली को भी मैं भिगो के रख दी हूँ अच्छे से इमली अच्छा मोटा वाला नींबू रहता ना उतना वाला इमली मैं भिगो के रख दी हूं। थोड़ा सा हम लोग मच्छी के सार में थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा डालते चलिए साउथ इंडियंस को तो सबको मालूम है खटा पनी से चावल हमारा खाना कोई नहीं होता और अदरक लहसुन खोती मीर अदरक तो मैं छील के रख ली हूँ चलिए पहले कोपरे का पेस्ट मैं बना ली नारियल का मच्छी के सालन में नारियल का पेस्ट तो डालते छे कुछ लोग नहीं डालते बट हम डालते हैं मैं कंपल्सरी हमारे घर में डालती देखिए यहाँ पर मैं नारियल का जो पेस्ट बनाई थी ना पानी से फिर अच्छे से खंगाल कर जार को अच्छे से निकाल रही हूँ पानी वेस्ट मत कीजिए वो सालन में डालने के लिए काम आ जाता चलिए यहाँ पर देखिए आप सबको मालूम ही छे अदरक लहसुन और खोती मीट में जो मैं बनाती हूँ पेस्ट हमेशा जो कैसे बनाती हूँ वैसे वही अलहमदिल्ला ये भी पीस गया अब नेक्स्ट बारी ये है टमाटर और लहसन की बारी सॉरी प्याज की बारी टमाटर और प्याज को भी अच्छे से मैं पीस लूँगी उसको भी फाइन पेस्ट बना लूँगी ये तीन पेस्ट मैं बना के रेडी कर ली तो मेरा सालन जल्दी से हो जाता उससे पहले क्या हो गया मुझे डाउट हो गया था कि अगर एक सालन ग्रेवी कम होता क्या कि बोल के फिर अब एक टमाटर कट करके डाली चलिए अब एक टमाटर कट करके डाली तीन पेस्टा भी तैयार हो गए अदरक लहसन का पेस्ट ना खोपरे का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट आप उसके बाद अम्बली को भी अच्छे से उसका पल पूरा निकाल कर निचोड़ निछो निछड़ के उसका अच्छा उसका दम गाड़ गए तक काट कर का, उसका जो भी रहता ना निकाल के रख देंगे आप उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है कैरी की कैरी को भी अच्छे से कट कर लेंगे देखिए कैरी पक गई बट खट्टी वाली कैरी है घर की कैरी है तो खट्टी है बहुत सारी तो चलिए यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं कट करके रख ले रही हूँ चलिए यहाँ पर देखिए मच्छी का सालन कोई भी साल मतलब मच्छी का सालन बनाना हो तो थोड़ा सा फ्लैट बेस का भगोना लीजिए थोड़ा ज़्यादा चौड़ापन हाइट थोड़ा सा कम हो और थोड़ा सा बड़ा वाला हो बोगो ऐसा वाला बोगुना लीजिए या कोई भी कढ़ाई हो वैसा लीजिए तो उसमें मैं डालती हूँ तीन से चार चम्मच तेल देखिए मच्छी का सालन में थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता बाकी नॉनवेज साल उनम में तो मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा ज़्यादा तेल तो उसके बाद मैं डाल दी हूँ लस लस्सा अदरक नहीं सॉरी क्यों आज लस्सान अदरक आ रहा मेरे मुँह में प्याज प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन पिंकिश हो तक मैं इसको तलूँगी क्या है अब मैं डाल के छोड़ के चलेगी तो फिर दाग लग जाता प्याज तो इसलिए क्या है थोड़ा सा चम्मच हिलाना पड़ता उसको चलिए यहाँ पर देखिए फिर मैं डाल रही हूँ क्या है प्याज थोड़ी सी हो गई और बगोना बहुत बड़ा हो गया तो प्याज कहाँ की दिख रहे ना तो ओके ज़्यादा प्याज भी खाना नहीं है थोड़ा सा मुझे क्या आदत होगी कोई भी सालन बनाना हो तो थोड़ा सा बरिश्ता बना के ही मैं डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट तो चलिए जब तक थोड़ा सा होता रहे तक पिंकिश हो गया अब डाल देती हूँ मैं तीन चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट देखिए आपको मालूम छ मैं तीन चम अदरक लहसन की पेस्ट एक्चुअली क्या है अग लोग अगर आप लोग डालते रहे हैं, सिर्फ अदरक लहसन का पेस्ट बोले तो दो चम्मच डाल ले सकते हैं। बट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तीन चम्मच क्यों बोले तो हम लोग इसमें खोती मिर भी मिलाते हैं ना तो धनिया की पत्ती तो उस मैं तीन चम्मच डाल रही हूँ तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अदरक लहसन का पेस्ट डाल रहे थे दो चम्मच काफ़ी है ज़्यादा हो जाता वो भी चलिए अच्छे से इनको भी आ, इसको भी पकाएंगे अच्छे से कच्ची बास बाँस गाय तक पकाएंगे चलिए यहाँ पर अदरक लहसन का पेस्ट भी पक गया था और कच्ची बास भी चले गई थी अब हम डालेंगे यहाँ पर टमाटर और प्याज का पेस्ट देखिए टमाटर और प्याज ऑलमोस्ट मैं तीन कप ये मेजरिंग कप से मैं तीन कप डाल चुकी हूँ तो आपको एक सा अंदाज़ा आ जाता तो चलिए इसको भी अच्छे से मैं आ, कच्ची बास गाय तक पकाऊँगी ये टमाटर और प्याज को टमाटर और प्याज में जो पानी है और नमी रहती ना वो जब तक वो सूख नहीं जाता जब तक मैं इसको पकाऊंगी चलिए यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट एक डन हो गया है आ, थोड़ा सा अभी भी कसर बाकी है इसको भी थोड़ा सा पकाऊंगी चलिए अब इसमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स डलते क्या क्या नहीं वो तो वो हर सालन में जो इंग्रेडियंट्स डलते वही वाले इंग्रीडियंट्स डलते कुछ ज़्यादा वाला नहीं चलिए यहाँ पर देखिए तेल भी ऑलमोस्ट छूट गया है अब हम डाल दूँगी हल्दी हल्दी को भी थोड़ा डाल के फिर पकाऊँगी फाइव मिनट्स हल्दी की भी कच्ची बास थी ना वो भी तो उसको भी अच्छे से पकाऊंगी देखिए दिखने में आपको लगता है जल्दी जल्दी बट क्या है थोड़ा सा मच्छी का साल ना जस्ट पकने के लिए टाइम लगता बाकी का पूरा जल्दी हो जाता जब मच्छी डालते ना उससे मच्छी डालने के बाद तो जल्दी हो जाता उससे पहले तो बहुत टाइम प्रोसेस लगता पकने के लिए तो चलिए तेल पूरा अलहमदिला पूरा छूट गया और ये मसाला पूरा अच्छे से पक गया अब मैं डालती हूँ मसाले लाल मिर्ची का पाउडर दो चम्मच देखिए तो सा मच्छी का सालन होना तो थोड़ा सा स्पाइसी बनाइए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया का पाउडर आधा टेबल स्पून एक नहीं सारी आधा नहीं एक टेबल स्पून मैं डाली थी दो टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर एक टेबल स्पून धनिया का पाउडर चलिए यहाँ पर मैं अच्छे से इनको भी भून लेती हूँ मसालों को कच्ची बाँस गए तक अच्छे से इनको भून लेता भूनने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता ये है क्या है इसको बोलते हैं खोपरे का पेस्ट मैं यहाँ पर खोपरे का पेस्ट भी डाल चुकी हूँ तीन चम्मच तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाता मैं बोल रही हूँ ना तो ये भी अच्छे से इसको भी थोड़ा सा पका लूँगी मैं कच्ची बाँस गए तक अच्छे से भूनूंगी इनको भी आप दिख रहा आपको तेल नहीं दिख रहा ना तो देखिए पकने के बाद तेल निकलता है इतना भी ज़्यादा तेल नहीं कि मैं निकाल कर दूसरा सालन बनाऊँ बट अलहमदिल्ला तेल तो ज़्यादा अच्छे सालन में चलिए अब इसको मैं मुझ देती हूँ ढक कर थोड़ी देर पकने दूँगी चलिए यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट इसमें भी तेल बाहर निकल गया अब मैं इसमें बारी आती है डालने की इमली खट्टा जो मैं पहले निकाल कर रखी थी ना वो वाला इमली खट्टा देखिए यहाँ पर मैं डाल चुकी हूँ पूरा एक छोटा सा बॉल भर के इमली का खट्टा इससे क्या है हमारा सालन हो या मच्छी का सालन न थोड़ा सा खट्टापन आ जाता और देखिए मैं डाल चुकी हूँ इमली का खट्टा और पानी भी डाल रही हूँ पानी अपने हिसाब से डालिए जितना गाढ़ा बनाना है सालन उतना या थोड़ा पतला बनाना है तो उतना पतला देखिए हम लोग मच्छी का सालन पतला वाला नहीं खाते थोड़ा सा दिख वाला ही हम लोग मच्छी का सालन खाते चलिए इतना सा काफ़ी है क्यों बोले तो इमली का खट्टा डाल लेना तो पकते वक्त थोड़ा सा पतला हो जाता सालन तो चलिए इसको थोड़ा सा ढक कर पकाएँगे फाइव टू सिक्स मिनट्स तक देखिए ऑलमोस्ट मच्छी का सालन पकने के लिए आधा घंटा लग जाता ज़्यादा नहीं अब देखिए ऑलमोस्ट जो था ना पक गया खट्टा सब अब डालेंगे हम लोग यहाँ पर आम कच कच्ची कैरी तो इसको भी मैं डालकर ढक दूंगी एक पकाऊंगी फाइव टू सिक्स मिनट तक जब तक कैरी का खट्टापन बाहर नहीं निकलता जब तक मैं पकाऊंगी चलिए यहाँ पर साइड में दो अंडे भी उबल गए थे अब इनको छीन लूँगी अच्छा छीन नहीं छिल दूँगी। तो क्या है अंडे छिलकर इनको मैं सालन बनाऊँगी तो फर्स्ट स्टार्टिंग में वीडियो में देखे थे आप लोग तो चलिए अब छीलने के बाद वही कढ़ाई में मैं अच्छे से धोकर रखी थी कढ़ाई मत बोलिए फिर कमेंट में कि धोई नहीं मैंने धोकर रखी थी कढ़ाई अब उस कढ़ाई में मैं डाल चुकी हूँ तीन से चार चम्मच यही सालन का ग्रेवी वो का कढ़ाई में तो उसके आए बाबा मच्छी का सालन नहीं खाते तो इसलिए मैं अंडे का जो अंडे उबाली थी ना यही ग्रेवी में मैं अंडे डाल दूँगी तो बन जाता अंडा करी चलिए मैं यहाँ पर भी डाल रही हूँ एक दो क्या बोलते कैरी के पीसेस चलिए ये देखिए मच्छी मैं ले चुकी हूँ आधा किलो कितनी मच्छी क्या है एक दिन पहले हम लोग मच्छी को फ्राई करके खा लिए थे फ्राई वाला मैं रेसिपी नहीं दिखाई ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे मैं कैसा फ्राई करके खाती हूँ क्या है क्या क्या है इंग्रेडियंस हैं हूँ अब मतलब नहीं बनता बार बार वही रिपीट करना तो इसलिए मैं मच्छी का सालन डाली हूँ मच्छी का सालन भी मैं डाल चुकी हूँ फर्स्ट ब्लॉग में फर्स्ट फर्स्ट मेरा फर्स्ट ब्लॉग मच्छी का सालन ही था बट उसमें मेरा ब्लॉग में वॉइस नहीं है तो इसलिए मैं फिर से मैं डाल रही हूँ गए पहले क्या है मच्छी के ब्लॉग मच्छी के ब्लॉग नहीं सॉरी मच्छी के सालन में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मच्छी का हेड सर बोलते हैं ना हेड तो डाल के अच्छे से पकाऊंगी उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर गरम मसाला गरम मसाला डालने का पहले डाल सकते थे बट हर जो भी आइटम हम लोग बनाते ना मच्छ तो लास्ट में गरम मसाला डालते हैं बट क्या है मच्छी के सालन में गरम मसाला अब डाले तो थोड़ा सा हिला सकते देखिए मेरा जो भी पकवान है ना सेम टू सेम नहीं रहता थोड़ा सा डिफरेंट भी रहता चलिए हम पर इनको थोड़ी देर पकाएंगे मच्छी को थोड़ा सा बोन रहता है ना मच्छी में हड्डियाँ वग़ैरह थोड़ा सा गल जाते तो चलिए उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी देर पकने के बाद थोड़ा ढक के पकाऊँगी तो आपको मालूम हो जाता मच्छी की मुंडी पक गई यानी हेड बोलते हैं ना मुंडी बोलते चलो अब देखिए इसको ढक कर पकाए तो अब मच्छी पक जाती देखिए यहाँ पर मैं पाँच मिनट के अंदर ही मच्छी गल गई थी मेरी या मतलब पक गई थी तो अब इसमें थोड़ा सा जगह बनाना है क्यों बनाना है एडजस्ट करना है देखिए ज़िंदगी भर एडजस्ट करने में निकल जाती कबड़ में कपड़े बना रखने के लिए एडजस्ट करो या सऊदे रखने या ग्रॉसरी रखने में सऊदे जो भी रखना है तो वो भी हाँ किचन में कैबिनेट में एडजस्ट करना पड़ता और यहाँ पर मच्छी के पीसेस डालने में भी एडजस्ट करना पड़ता है देखिए यहाँ पर पूरे पाँच से छः पीसा मैं डाल चुकी हूँ तो क्या है आराम से ऐसे ही छोड़ के इसको हिलाते नहीं ना मच्छी के पीसेस डालने के बाद सिर्फ ऐसे ही डाल के छोड़ देते एक फाइव मिनट्स तक इतना ही ज़्यादा नहीं पकाते नहीं तो फिर ज़्यादा पकाए तो मच्छी पूरा गल जाती और पूरी पूरी पीसेस हो जाती अब गल गल के हटकल बोलते हैं हम लोग हमारे भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं नहीं जस्ट ऐसे ही हिलाना पड़ता है मच्छी डालने के बाद अब इसको मैं मुझकर सिर्फ और सिर्फ पाँच मिनट के लिए ही पकाऊंगी ज़्यादा नहीं देखिए मच्छी डालने के बाद 10 मिनट के अंदर ही मच्छी को बंद कर डालना पड़ता है अगर मोटे पीसेस है तो बरी पीसेस है तो 5-6 मिनट तक ज़्यादा अच्छा हो जाता देखिए लास्ट और फाइनल इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ खोत इसके बिना तो कोई भी डिश कम्प्लीट ही नहीं होता आप सबको मालूम ही अच्छा इंडियन क्यूजिनस में चलिए फाइनल लुक ऑफ द मच्छी का सालन मच्छी क्या हो गया हमारे अम्मी थोड़ा सा बीच में आकर मच्छी को मुंडी को उल्टा कर दिए थे तो जो हेड को नहीं तो बहुत अच्छा दिखने वाला था लुक चलिए यहाँ पर देखिए मेरे मच्छी के पीसेस मच्छी का सालन माशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिए मेरी तरह ब, म, जो मैं बनाई ना मेरी तरह जो रेसिपी है ना वो बनाने की कोशिश कोशिश कीजिए कभी भी आप लोग मच्छी बनाते और मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़ चलिए उम्मीद है आप सबको मेरा ये वाला मच्छी का सालन पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए अब मैं इसको क्या है मैं कोई भी डिश आउट करने का मुझे नहीं है क्यों तो मच्छी का सालन ना कोई डिश आउट नहीं कर सकते फिर टूट जाती मच्छी तो बेस्ट है मैं आ, एक इसमें ही कढ़ाई में मतलब भोगने में ही निकाल कर मैं आपको साथ छेदूँ चलिए अब देखिए अंडे का सालन जो मैं आपको बताई थी वही काट ग्रेवी काट कर का, मैं अंडे डाल चुकी थी ये है अंडे का सालन ये भी बन गया चलिए अब मैं करती हूँ लंच गरम गरम चावल के साथ खट्टा सालन बहुत अम्मी रहता आप भी ट्राई कीजिए मच्छी का सालन ना थोड़ा सा पंद्रह मिनट या एटलीस्ट एक हाफ एन आवर एक घंटे तक ठंडा होने के बाद खाने की कोशिश कीजिए बहुत मज़े का दिखता चलिए आप भी ट्राई कीजिए यह सालन और मुझे कमेंट करके बताइए चलो मैं चलती हूँ अल्लाह हफिज़ दुआ में याद रखना में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में